एक वीडियो से चैनल को मोनेटाइज कराया है, सिर्फ एक वीडियो, पैसे नहीं दिए कहीं, ना किसी को पैसे मोनेटाइजेशन के लिए दिए, एक वीडियो से चैनल को मोनेटाइज कराया। और ठीक आज से एक साल पहले घर घर जाकर गांव में अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाता था। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स की, आपके सामने है अल्तमस खान, जिनके चैनल का नाम है स्ट्रगलिंग बॉय। स्ट्रगलिंग बॉय पहला चैनल नहीं है, ये इनका दूसरा चैनल है। आखिर इन्हें दूसरे चैनल की जरूरत क्यों पड़ी? पहला चैनल था इनका अल्तमस ब्लॉग, पहले चैनल पर इन्होंने एक साल तक काम किया और घर घर जाकर अपने दोस्तों से यारों से सब्सक्राइब करवाते थे। आज इनकी स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने एक वीडियो से चैनल को मोनेटाइज कराया। वो कैसे कराया है वो सारे तरीके आपको बताएंगी। सिर्फ एक वीडियो से मोनेटाइज कराया है। हमारी ऑडियंस आपको अल्तमस जी देख रही है और मैं चाहता हूं आप इनको बताइए हकीकत, आखिर आपने कैसे यूट्यूब पर काम किया, एक साल काम करने के बावजूद भी आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, आप कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों से मिले, सभी के साथ वीडियो बना रही, फिर भी इनका भला नहीं होता है, लेकिन फिर एक ऐसा वीडियो जो इनकी लाइफ बदल देता है और चैनल कहां से कहां पहुंचता है आज 22,000 सब्सक्राइबर से, और एक महीने में ही पहली पेमेंट इनकी 40,000 से 45,000 रुपए आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताइए हमारी ऑडियंस। दोस्तों जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हमारे चैनल पे 700 से 800 सब्सक्राइबर थे और हमारे गांव का एक भी शख्स नहीं बाकी था जिससे हमने सब्सक्राइब न किया हो। 700-800 सब्सक्राइबर कैसे थे आपके? गांव में टहलते थे, जो कोई इंसान आता था तो हमें वो इंसान नहीं दिखता था, वो हमें सब्सक्राइबर दिखता था। जैसे कोई लोकेशन नहीं होती, टिप टिप टिप, मतलब कोई इंसान आता था ना, लग रहा भाई ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, कैसे हम इसको अपने सब्सक्राइबर गिन कर लें। मोबाइल पकड़ते, भैया सब्सक्राइब कर दो, भैया सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसा घूम घूम कर हम अपने पूरे गाँव में घूम डाले और हमने कर डाले 900 सब्सक्राइबर। पूरे गांव के लोगों को आपने एक एक करके सब्सक्राइब कराया, जिसके पास फोन था, जिसके पास फोन था। कितनी मेहनत किया आपने? भाई मोनेटाइज करवाते तभी तो पैसा आएगा, ये हमारी सोच थी कि भाई मोनेटाइज हो जाए, किसी भी तरीके से लड़ झगड़ के मोबाइल छीना सब्सक्राइबर हो जाए, सब्सक्राइबर हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, पैसा फिर आएगा। अब बचे हमारे 900 सब्सक्राइबर, फिर तब हमारे बचते हैं 100 सब्सक्राइबर। अब था कि भाई 100 सब्सक्राइबर कर लें और चैनल मोनेटाइज करें, अब आएगा पैसा। तो भाई गांव में तो कोई बचा ही नहीं, सबका मोबाइल छिना छिना के हमने सब्सक्राइब कर डाले। अब करे तो करे क्या, वीडियो चलती नहीं थी, बस दिमाग में एक ही चीज था, मोनेटाइज कराएंगे, पैसा जब भी आएगा मोनेटाइज कराना। सपने आते थे कि भाई 100 सब्सक्राइबर कर ले और चैनल मोनेटाइज करना किस तरीके से। तो हमारे गांव के ठीक 2 किलोमीटर पड़ता है एक और गांव, हमारा दोस्त रहता था, भाई तुम यहां आ जाओ, हम किसी तरीके से तुमको 100 सब्सक्राइबर दे देंगे, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो भाई हम तो खुशी के मारे झूम पड़े कि 100 सब्सक्राइबर मिलेंगे, अब तो पैसा आएगा। हम रात के 8 बजे अपने दोस्त साथ पैदल निकल पड़े दूसरे गांव की ओर। तब वहां पहुंचे तो हमारा दोस्त जो कोई मिलता है, इधर आबे, इधर आ, इधर आ, सब्सक्राइब कर, ए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर किसी के पास वाईफाई भी नहीं रहता था ना, हम कहते हम वाईफाई हम दे रहे हैं, हम वाईफाई दे रहे हैं, लेकिन तुम सब्सक्राइब करो ससुरा। अच्छा। तो ऐसे करके उसी दिन हमने कर डाले 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लिए और हमारे चैनल को हमने भेज दिया मोनेटाइज के लिए। तो वॉच टाइम कहां से मिला? वॉच टाइम तो हमारी वीडियो चली थी फतेहपुर की। क्या क्या वीडियो? हमने डाला फतेहपुर का पूरा टूर करवा दिया था हमने, कभी बहुत लंबी वीडियो बनाई थी और हमने एक वीडियो बनाई दंगल के ऊपर, वो हमारे 80,000 चली गई थी। अच्छा, तो उससे कुछ सब्सक्राइबर मिले थे। अच्छा अच्छा, तो वॉच टाइम तो भाई कंप्लीट हो गया लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिल पा रहे थे। तो सब्सक्राइबर जो कोई मिलता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ करके सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिए। लेकिन जब मोनेटाइज हो गया तो 6 महीने बाद हमारी कहीं पेमेंट आती थी। तो ये सब किया, उसके बाद मैं किससे नहीं मिला, मनोज डे, महात्मा जी, इसरार सर, बसंत जागरा और भी जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु धर्मेंद्र सर, सबसे मिल लिया। और मिले टाइम ये लगता था कि भाई इनसे मिलेंगे तो भाई वायरल हो जाएगी वीडियो, लेकिन वही हाल, 2,000, 3,000, 500, 400 व्यू। तो भाई अब तो भाई किसी से मिलने का मन ही नहीं करता था। अच्छा, यार छोड़ो यार, मिलने का मिलने छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर ऊपर वाला हमारा भी है, उन्होंने सुन लिया। अब एक वीडियो हमारी ऐसी वायरल हुई कि हमने शाम को डाला और डाल के सो गए, जो रियल किल में सबके साथ होता है, डाल के सोते हैं और सुबह जब देखते हैं तो एकदम से चमत्कार। वो चमत्कार हुआ कैसे, ये भी तो बताइए, किसने आपको उसके लिए जागरूक किया कि ये करिए आप? तो हमारे जो साथ में बैठे हैं ये हमसे मतलब हमेशा बोलते थे, अबे यार, मतलब हमेशा गाली देते थे, अबे तू उस चैनल के पीछे क्यों पड़ा भाई, अल्तमस ब्लॉग खुला गाली पड़ा। मतलब गाली नहीं थी, वो एक तरफ से प्रेशर था, मतलब कि तुम ये करो करो तुम ये करो, लेकिन हमारा भी मन ही नहीं करता था। हम कहा अल्तमस ब्लॉग मोनेटाइज हो गया है, अब इससे पैसे आ गए, नए चैनल बनाएंगे तो फिर हमको यार सब्सक्राइबर गेन करना पड़ेगा, वॉच टाइम गेन करना पड़ेगा। तो ये हमारे दिमाग में था, लेकिन वो गलत था। हमने नया चैनल बनाया, माय फर्स्ट ब्लॉग वो सारे ट्राई किए,
में बकरी डाला, भैंस डाला, लेकिन हुआ वायरल, 14,000-15,000 गए। लेकिन फिर वंशिका हापुर जो वायरल हुई थी, वंशिका हापुर वायरल हुई थी, तो उनके तरफ से इनको फ़ोन आता है कि आइए सर हमारी हेल्प करिए, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा था। तब हमने गया, हमने बनाया उनके साथ वीडियो बनाई और बनाया, और हमारी किस्मत चेंज। मतलब एक मतलब इतने दिन से आप परेशान थे, चैनल पे कुछ नहीं हो पा रहा था, हमारे कहने पे आपने एक नया चैनल शुरुआत किया है ना, और वहां पर एक ऐसे बड़े यूट्यूबर से नहीं मिले आप, एक ऐसे जो ट्रेंडिंग में वायरल चल रहा हो इंसान, जिसकी बातें इंटरनेट पे चल रही हो, आप उनके साथ जाके एक वीडियो बना देते, ब्लॉग वीडियो। ब्लॉग वीडियो एक नहीं बनाया, ये हमारी एक क्वालिटी है, हम किसी के पास भी जाते हैं बड़े यूट्यूबर के पास, तो हम एक वीडियो नहीं बनाते, हम तीन वीडियो बनाते, 3 से 4, जितना ज्यादा हो सके, कि अगर उसकी एक वीडियो वायरल हो तो बैक टू बैक हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा, कि उसकी एक ऑडियंस बन जाती है फिर, क्योंकि लोग फिर उसको देखना पसंद करते हैं। तो हमने बनाए थे 4 वीडियो, और चारों वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.6 मिलियन, 1.2 मिलियन, 7 लाख, 6 लाख ऐसे व्यू हैं, क्योंकि हमने दिमाग लगाया था, अगर खाली हम एक वीडियो बनाते तो रह जाते वहीं। तो ये यहाँ से आपको एक चीज सीखना है, अगर चैनल पहला नहीं चल रहा, भले मोनेटाइज हो गया, घंटा छोड़ो यार उसको, एक नई शुरुआत करो एक नए अंदाज में, और मैं कहता हूं कि आपको 95% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो गलतियां आपने पहले चैनल पे की हैं, वो नए वाले पे मत करिएगा, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका कहना है कि बड़े यूट्यूबर से मिलने का, लोगों को लगता है कि बड़े यूट्यूबर से मिल जाएंगे तो हमारा चैनल चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े यूट्यूबर से नहीं, आप वैसे इंसान से मिलिए जो प्रेजेंट टाइम में वायरल चल रहा हो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, ठीक है, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉग है, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो आप सिर्फ एक वीडियो से उन्होंने उसका इस्तेमाल करके वीडियो वायरल करा के ऑटोमेटिक वायरल हो जाती है, और वॉच टाइम धड़ल्ले से पूरा होता है सब्सक्राइबर की, तो बात करो, एक वीडियो से 16,000+ सब्सक्राइबर एक वीडियो से 16,000 सब्सक्राइबर्स, और पहले वीडियो से वॉच टाइम कंप्लीट, तुरंत चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर, अब ये भाई साहब पैसा कमाने लगते। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो जाकर वहां सिर्फ एक वीडियो नहीं बनानी, अगर आप किसी भी प्लेस में जाते हैं, किसी को एक्सप्लोर करने जाते हैं, कोई जगह है वहां एक्सप्लोर करने जाते हैं, अगर आप पैसा लगा के जाते हैं, तो कम से कम वहां पर आप 3 से 4 वीडियो शूट करिए, ताकि अगर पहली वीडियो ना चले तो दूसरी चल सके, दूसरी ना चल सके तो तीसरी चल सके। फुल क्लिकबेट का इस्तेमाल करना है। आपने ऐसा क्या क्लिकबेट किया? अगर एक चल गई तो वो तुम्हारी सारी चल जाएंगी, सारी वीडियो उसकी एक रीच बन जाती है, वो मतलब वो टैग रैंक कर जाएगा, जैसे हमारा वंशिका का टैग रैंक कर चुका। अच्छा अच्छा, आपने अच्छा आपने अभी तक पहले वाले चैनल से कितना पैसा कमाया था? पहले वाले से कमाया होगा 15-20 हज़ार रुपए। 15-20 हज़ार, दो ही पेमेंट आई है? दो पेमेंट आई है। और इस चैनल से कितना कमा लिया? इस पेमेंट आ चुकी है और 3-4 दिन में आ जाएगी कितने उसका डबल मान लीजिए, डबल से 40,000 रुपए। बात समझ रहे हो आप? मतलब पहली पेमेंट ही 40,000 ले ली, कहाँ ये 6-6, 7-7 हज़ार लेते थे, और बड़े मुश्किल से 2 पेमेंट आई थी 1 साल में, और सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर इन्होंने 40,000 की पहली पेमेंट ले ली। ये वीडियो इस वजह से बना रहा था, स्ट्रगलिंग बॉय चैनल का नाम है, एक बार देख लीजिए जाके, देख लीजिए जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और मैंने मेंशन भी कर दिया है, जाइए देखिए। और हमारी ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पुराना चैनल है, घिस रहे हैं उसमें, तो भाई छोड़ दीजिए, नया चैनल बनाइए, उसी वीडियो को कॉपी कर दीजिए। मैं भी ये करता हूँ, मेरे पास बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ वीडियो है, मैं क्या करता हूँ उसको उठा के इस पे डाल देता हूँ, इस पे डालता हूँ, क्योंकि इस पे ये नया चैनल है, ये बूस्ट कर रहा है, तो वो वीडियो वहाँ डेढ़ चल रही थी भाई, सब कुछ सही था, CTR सही, वॉच टाइम सही, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बूस्ट नहीं कर रहा था यूट्यूब। मान लो बता, यूट्यूब ने हमसे कसम खा रखी हो कि तुम्हारी वीडियो नहीं चल रहा, हमारे साथ ये चलते हैं, बता कुछ हो ही नहीं रहा था भाई, लोग ताने मारते थे मुझको कि तुम टेक चैंपियन सपोर्ट के साथ चलते हो, तुम्हारे व्यू नहीं आ रहे हैं, तो ये मुझे खराब लगता, इस चीज खराब लगता था कि मतलब यार लोग मुझे बुरा बोलते नहीं, इनको बुरा बोलते। एक्चुअली क्या है, ये मेरी बात नहीं मान रहा था, मैं इसको बहुत दिनों से समझा रहा था, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा था, कह रहा था नहीं मैं एक ही वही चैनल पे काम करूंगा। मैंने तुरंत एक बार नहीं 500 बार इसको गालियां भी दी, डांटा भी, लेकिन मेरी बात नहीं मानना था। लेकिन जब होता नहीं है, जब लगा कुछ इसको, तो चैनल ये बना लेता है और फिर शुरुआत कर देता है, और देखो आज उस चैनल पे 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और पेमेंट भी अच्छी खासी आ रही है, अर्निंग भी हो रही। वो वाले में 5,000 उसमें 1 साल में 5,000 में उसमें 22,000 हो गए। तो वही चीज, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहता था कि एक वीडियो से आपका चैनल मोटाइज हो जाएगा।
आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, कहीं मोटिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन काम करने की जरूरत है। और अगर पुराना चैनल पे काम करो तो एक नई शुरुआत कर दो, वही वीडियोस को आप यहां पे इस्तेमाल करो, जब अगर वायरल हो जाए वो वीडियो वहां से डिलीट करके इसको मोटाइज करा सकते, मोटाइज के लिए भेज दीजिए, लेकिन वो वाले से चैनल को वीडियो डिलीट कर देना। आप बोलेंगे, लोग बोलते हैं अब कॉपीराइट आएगा, भैया आपका कंटेंट है, कौन कॉपीराइट दे सकता है, कोई नहीं देने वाला। आप इस चैनल पे नहीं, आप 10 चैनल पे वीडियो डाल दीजिए फिर भी आपको कोई कॉपीराइट नहीं देगा, सिंपल सी बात है, बस आपका चैनल चलना चाहिए। अब ये वही कर रहे हैं, पुराने वीडियोस को इसमें डाल के अब ये व्यूज ले रहे हैं, वो वीडियो डेड थी अब इसमें आ रही, तो ये आगे चलेगा चैनल। स्ट्रगलिंग बॉय नाम याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर एक बार देखिएगा जाके। इसी चैनल पर सिर्फ 22,000 सब्सक्राइबर्स, एक वीडियो 1.6 मिलियन, एक वीडियो 1.2 मिलियन, एक वीडियो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, ऐसे ऐसे करके व्यूज आए। शॉर्ट्स भी चल रहा है, शॉर्ट भी चल रहा है, तो दिमाग लगाइए, पैसा कमाइए। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि लगे मत रहिए एक लाइन पे, नहीं चल रहा है, जो गलतियां पहले वाले पे की है दोबारा वो वाली गलतियां बिल्कुल मत दोहराइए, मैं यही कहना चाहता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, भाई का चैनल है स्ट्रगलिंग बॉय, एक बार देखिए और जाकर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए आखिर उन्होंने कैसे काम किया है, और आप भी ऐसे कदम बढ़ाकर आगे YouTube पर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और YouTube से पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, बोल दो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना भैया, और हमारे वाले को भी करना, क्योंकि हम लोग टूर में निकलते हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते हैं साथ में, तो भाई मजा आने वाली है, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा जाके। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और जो मैंने तरीके बताए हैं 3-4 पॉइंट उनको नोट डाउन कर लेना। अगर आप किसी भी प्लेस में जाते हैं, अगर आप टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, आप व्लॉग वीडियो बना रहे हो, वहां का एक ही वीडियो मत बनाइए, वहां के मेन मेन पार्ट्स का, मेन मेन प्लेस का 3-4 वीडियो बनाइए, ताकि आपके पास कंटेंट हो। अगर आप पैसा लगा के जा रहे हैं कहीं, तो आपके पास ऑलरेडी काफी काफी ज्यादा आपके पास मटेरियल हो वीडियोस, किसी से मिलते हैं तो भी आप 2-3 वीडियोस बनाइए। उम्मीद करेंगे आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।